सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियंका भंडारी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, आइए सब ठीक होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो अभी जो है नाश्ता पानी हमारा हो चुका है और बाहर जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। आज मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रखा है, हल्की हल्की सी धूप खिली हुई है और हल्के से बादल भी हैं। कल तो जो है सुबह से बादल लगे हुए थे लेकिन आज जो है मौसम खुल चुका है, आसमान में हल्के फुल्के बादल हैं लेकिन धूप भी खिली हुई है। तो सुबह का मौसम जो है अच्छा सा हो रखा है, आप लोगों को सुबह का मौसम दिखा देते हैं। तो ये रहा सुबह का मौसम, आसमान में हल्के हल्के से बादल दिख रहे हैं और जो है अच्छी सी धूप भी खिली हुई है और पहाड़ों में जो है कोहरा भी बना हुआ है। और सुबह जो है खेतों में जो है भीमल के पेड़ काफ़ी घने घने लग रहे हैं, जो कि अभी घास काटने के बाद इनकी कटान की जाएगी गाय बच्चियों के लिए। तो पूरा जो है पड़ोस का मौसम खाली खाली हो रखा है, सुनसान सा हो रखा है माहौल, क्योंकि सभी लोग जो हैं कद्दू काटने के लिए गए हुए हैं। तो अभी जो है सुबह निकल जाते हैं और दोपहर में ही जो है घर में आते हैं। तो आजकल पहाड़ों में जो है गज्जों कटाई का काम चल रहा है, साथ में खेतों का भी काम चल रहा है, तो सभी लोग गए हुए हैं अपने अपने काम के लिए। और मैंने भी सुबह ये काम कर लिया है, गेहूँ जो है धो के सुखाने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि एक दो दिन से जो है बंदर नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने कहा, सोचा कि गेहूँ को जो है धूप में डाल देते हैं। साथ में डाल रखा है यहाँ पर पापड़ा जो कि है अरबी के डंठलों से। तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सूख चुका है ये और थोड़ा बहुत और सूखना बाकी है। इन इसको फिर भट्टे की सब्ज़ी में डाल के काफ़ी टेस्टी होता है, ये भिगा के जो है भट्टे की सब्ज़ी में डाला जाता है। तो थोड़ा बहुत सूख चुका है और थोड़ा जो है सूखना बाकी है। नाश्ता करने के बाद मेरी तैयारी भी हो गई है खेतों की ओर जाने की, क्योंकि एक दो दिन से मैं घर में ही थी घर की साफ़ सफाई करने में, तो मुझे खेतों में जाने का टाइम नहीं मिला था। तो इसलिए मैं आज खेतों की ओर जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को भी बताऊँगी, तो बने रहना वीडियो में। असोज का महीना जो होता है वो काफ़ी संघर्ष भरा रहता है, क्योंकि इस महीने में जो है लोगों को गज्जों के काटने के साथ साथ घर का काम भी देखना पड़ता है और गाय बच्चियों के लिए भी घास काटना पड़ता है, साथ में खेतीबाड़ी का काम भी करना पड़ता है। हालांकि आजकल सूअर कुछ भी नहीं रखता है खेतों में, लेकिन फिर भी जो है साफ़ सफाई वगैरह लगे रहता है। तो गज्जा जो है असोज का गज्जा जो है घास काट के जो सुखाया जाता है उसे गज्जा कहते हैं। तो गज्जा को फिर जो है बांध के उसको फिर घर में लाया जाता है। तो उसके बाद जो है एक डंडे में उसको पूरा जो है समेट के रखना पड़ता है। सूखी घास होती है उसको गज्जा कहते हैं, और गज्जा को फिर घर ला के एक डंडे में इस तरीके से जो है उसका लूटा बनाया जाता है। ये देख सकते हैं पूरा जो है गज्जो बना के तैयार कर रखा है, एक यहाँ पे रख रखा है और एक यहाँ पे बना रखा है। तो आप देख सकते हैं कितना संघर्ष भरा रहता है, पूरा पूरा लूटा कितना अच्छा बना रखा है। तो पहाड़ की महिलाओं के लिए तो काफ़ी संघर्ष भरा महीना रहता है ये, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं उनको। सभी लोग जो हैं अपने अपने कामों के लिए गए हुए हैं, क्योंकि घर में सुनसान का माहौल बना रखा है। और हम भी चलते हैं खेत की ओर और आप लोगों को दिखाते हैं आज खेत, और खेत में देखते हैं क्या क्या हो रखा है करके। और पड़ोस का माहौल काफ़ी सुनसान हो रखा है, सभी लोग जो है खेतों के लिए गए हुए हैं, गज्जा काटने के लिए गए हुए हैं मंगों की ओर। तो देख सकते हैं काफ़ी सुनसान माहौल हो रखा है, पूरा जो है सुनसान माहौल। अब 12 बजे के बाद ही लोग घर में आएंगे, उसके बाद खाना खाने के बाद फिर से लोग अपने अपने कामों के लिए चले जाएंगे। अभी मैं आ रखी हूँ खेतों की ओर। तो खेतों में जो है यहाँ पे मेरे को दिख गया है आंवले का पेड़। तो मेरे पीछे साइड आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा आंवले आ रखे हैं इस बार जो है। तो मुझे आंवले तोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि इस बार आंवले में कितना ज़्यादा फल लग रहा है। ये रहा आंवले का पेड़, और इसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है मात्रा में आंवले आ रखे हैं, क्योंकि पिछली बार जो है आंवले में बिल्कुल भी फल नहीं था, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है आंवले में फल आ रखा है। तो कितना छोटा सा पतला सा पेड़ है, लेकिन इसमें फल जो है काफ़ी मात्रा में आ रखा है। तो देख सकते हैं आप लोग पूरा जो है भर भर के इस बार आंवले में फल आ रखा है। Oh, oh, oh.
यहाँ पे से थोड़े बहुत आंवले मैं भी तोड़ती हूँ और उसके बाद जो है घर की ओर जाती हूँ। तो सामने वाली जो है खेत में मशीन का काम चल रहा है, यानी कि गज्जो काटा जा रहा है मशीन से, तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो आजकल आसान हो चुका है काम करने के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए जो है पहले तो घास कटा के लिए हाथ से काटा जाता था, लेकिन इस बार जो है मशीन आने से काफ़ी मदद मिल रखी है घास काटने के लिए। तो आंवले तो मैंने थोड़े बहुत तोड़ लिए हैं, तो देख सकते हैं अभी छोटे छोटे हैं, अगले महीने तक ये थोड़े बहुत बड़े हो जाएंगे और रसीले भी हो जाएंगे, अभी उतने अच्छे नहीं हो रखे हैं, लेकिन दो चार दाने मैंने तोड़ लिए हैं। और अब चलते हैं घर की ओर। खेतों से लोगों ने जो है भट वगैरह तो निकाल लिए हैं, और जो है अब इनके खेतों की सफाई करनी बाकी है, उसके बाद इसमें मजदूर बोया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है भट निकाल के लेके गए हैं, बाद में इन खेतों को खाली करके बोने का काम भी जल्दी से जो है शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक पेड़ है जो कि है चूक का पेड़, इसमें काफ़ी मात्रा में जो है चूक लगे हुए हैं, जिसे हिंदी भाषा में जो है बड़ा नींबू भी कह सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें फल आ रखा है और जो है बड़े बड़े दाने हो रखे हैं। ये इनको माल्टे के साथ और संतरे के साथ मिक्स करके छाना जाता है। रखी हूँ अपने खेत में, और यहाँ पे है करेले का बेल, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में करेले लगे हुए हैं, ये कड़वे वाले करेले हैं, और साथ में जो है नींबू का पेड़ है यहाँ पे, तो इसमें भी काफ़ी मात्रा में जो है इस बार चूक आ रखे हैं फल। तो यहाँ पे से जो है मैं करेले तोड़ के लेके जाती हूँ। थोड़े बहुत करेले तो मैंने निकाल के यहाँ पे दुपट्टे में रख लिए हैं, बाकी के जो करेले हैं वो नींबू के पेड़ में अटक रखे हैं बीच बीच में, तो निकालना काफ़ी मुश्किल हो रखा है। तो आज की सब्जी के लिए थोड़े बहुत जो है मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। यहाँ पे जो नींबू है वो थोड़े बहुत बड़े होने लग गए हैं और हल्के हल्के से उनमें पीलापन भी आने लग गया है। तो ये देखिए हल्के हल्के से जो है पीले होने लग गए हैं, और अगले महीने तक ये पूरे जो है पीले हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो इस बार भी काफ़ी सारा फल जो है नींबू में, यानी कि चूक में आ रखा है। ये देखिए ये हल्के हल्के से इनमें पीलापन जो है आने लग गया है। दोपहर का खाना हमने खा लिया है और बर्तन वगैरह भी जो थे वो धो चुके हैं। तो अभी जो है मैं छत में ही हूँ, क्योंकि छत में जो है मैंने गेहूँ डाल रखे हैं, तो अभी भी वो अच्छी खासी धूप लगी हुई है, तो छत में ही डाल रखे हैं, और बंदर ना आ जाए करके, इसलिए रखवाली के लिए मैं छत में ही हूँ। तो अभी भी काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, और सामने के छत में जो है ठुलजिया भी यहाँ पे अपने भर जो है सुखा रही है, तो अच्छी सी धूप खिली हुई है, तो लगे हैं अपने अपने काम में सभी लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है भट वगैरह डाल रखे हैं धूप में, तो उन्हीं को सुखाने का काम कर रहे हैं। मेरे गेहूँ भी अब लगभग अच्छी तरह से सूख चुके हैं, और आज दिन भर काफ़ी अच्छी धूप थी, तो अच्छे से सूख चुके हैं। और सामने की छत में जो है ठुलजिया ने भी काफ़ी वेराइटी की चीज़ें डाल रखी हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर सुट्टे डाल रखे हैं और यहाँ पे भट्ट डाल रखे हैं। तो इस बार की खेती ये है भट्ट, और यहाँ पे जीरा, और यहाँ पे जो है मांस डाल रखे हैं, तो दो दो टायर कट्ठों में जो है मांस डाल रखे हैं। और खाना खा लिया ठुलजिया? यहाँ पे खाना बना रही हैं, खा लिया ठुलजिया? नहीं बनाया। अरे अभी ठुलजिया का जो है खाना ही नहीं बनाया है, दोपहर के 3 बज चुके हैं, अभी खाना ही नहीं बनाया ठुलजिया का। हाँ। अभी इनके कामों में लगी हुई थी भट्ट बनाने के काम में, तो अब बना रही है खाना। काम जारी है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे घर के पीछे साइड जो है एक लूटा यहाँ पे डाल रखा है, तो दूसरे लूटे की यहाँ पे तैयारी हो रखी है। तो यहाँ पे जो है सूखी घास डाल रखी है, 2-3 भारी काट के जो है यहाँ पे ला रखे हैं, डाल रखा है, ये देख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे पेड़ दिख रहा है, इस वाले पेड़ में जो है डाला जाएगा लूटा,
तो सभी का काम जो है आजकल यही चल रहा है, गाजर काटने का ही। और यहाँ पे बेलपत्री में भी काफ़ी ज़्यादा फला रखा है इस बार। सूखी घास को पेड़ में इकट्ठा करने से पहले उसके नीचे ये वाला घास डाला जाता है, जिसे कहते हैं निंगासा। तो ये गाय बच्चों के खाने के बाद जो बच जाता है उसको सुखा के स्टोर किया जाता है, और उसके बाद जो है ये जो लूटा होता है उसके नीचे डाला जाता है, ताकि जो ये घास है गज्जो है ये सड़े ना करके। इसीलिए इसको ऐसे यहाँ पे लाया गया है। पहले इसको डालेंगे वहाँ पे, और उसके बाद जो है उस सूखे घास को इकट्ठा करेंगे। तो एक लूटा यहाँ पे बन के तैयार हो रखा है दीदी का, और दूसरे की यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और बच्चों का यहाँ पे चल रहा है मैच, तो देख सकते हैं। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और मेरी यहाँ पे चल रही है तैयारी सब्जी बनाने की। तो सब्जी में बन रहे हैं आज का, तो घर के ऑर्गेनिक करेले हैं ये, तो मैं सुबह तोड़ के लेके आई थी खेत से। और करेले जो हैं दही डाल के काफ़ी टेस्टी होते हैं, तो आज हम यही बना रहे हैं करेले की सब्जी दही डाल के। तो पिछले बार हमने बनाए थे तो थोड़े बहुत थे, इस बार जो है बहुत ज़्यादा है। तो जो करेले की सब्जी होती है ना दही डाल के काफ़ी टेस्टी होती है, तो इसलिए हम आज सब्जी में करेले ही बना रहे हैं। वैसे दूसरी सब्जी भी बनेगी, लेकिन एक सब्जी जो है वो करेले की बना रहे हैं। तो दोस्तों आज का यही था डेली ब्लॉग, तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब इस वीडियो को भी इतना ही करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का ये ब्लॉग भी पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आप लोगों को नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।